स्क्रीन पर जिस आदमी की तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसने बिहार में अपने नाम का डंका बजा रखा था। हर कोई इसके नाम से कांपता था। इसके नाम पर लूट और रंगदारी के दर्जनों केस दर्ज हैं। इन जनाब का नाम मिथिलेश पासवान है और ये बिहार के बहुत ही खूंखार गैंगस्टर हैं। इतना ही नहीं, साल 2016 में इसने एक मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाया था। लेकिन इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि 4 जून की देर रात को कुछ बदमाश आए और दमादम गोलियां चलाकर मिथिलेश को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कौन है ये बदमाश जिन्होंने मिथिलेश जैसे गैंगस्टर पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई और किस वजह से मिथिलेश की हत्या की? ये क्या कोई गैंगवार है या फिर किसी ने बदला लेने के लिए ये कांड किया है? आइए इस वीडियो में इस मर्डर के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। मंगलवार यानी 4 जून की देर रात को बिहार के आरा में 28 साल का मिथिलेश पासवान अपने दोस्त की बहन के घर से लौट रहा था। तभी आरोपी ने उसे घेर लिया और सुनसान जगह ले जाकर उसका मर्डर कर दिया। बदमाशों ने इस दौरान मिथिलेश पर 10 राउंड फायरिंग की। हत्या करने के बाद मिथिलेश की डेड बॉडी को उसके घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया और फिर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस जब पेट्रोलिंग पर थी तो उन्होंने रास्ते में एक डेड बॉडी को देखा तो वे रुक गए और जांच करने लगे। जब पास गए तो मिथिलेश को देख हाथ पैर फूल गए। मिथिलेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मिथिलेश के परिवार वालों को इसकी जानकारी दी जिसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया मिथिलेश ने 29 अप्रैल 2016 को रंगदारी नहीं देने पर आरा सिटी में स्थित NS शॉपिंग मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही मिथिलेश पर अलग अलग थानों में लूट और रंगदारी के दर्जनों केस दर्ज है और पिछले काफी समय से पुलिस इसकी तलाश में थी। लेकिन इससे पहले पुलिस इसको पकड़ती बदमाशों ने इसका मर्डर कर दिया। अब पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस कांड के पीछे कोई गैंगवार तो नहीं छिपा, साथ ही आरोपियों की तलाश भी कर रही है। आपको बता दें मिथिलेश के परिवार में माँ, 2 छोटी बहनें और 1 छोटा भाई रहता था। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।